किसान मित्रों नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गेहूं में कौन से कार्य करें या कौन सी ग्रोथ प्रमोटर डालें जिससे हमारे गेहूं में अधिक कल्ले निकलें, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा मिल सके। आज की वीडियो में इस पर जानकारी प्रदान की गई है। आज की वीडियो इसी पर आधारित है, इसलिए बिना हुए पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आने वाली सामने बिल को आल पर कर दीजिए, जिससे खेती किसानी से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारे गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी हमारी फसल में हो जाती है तो हमारी फसल प्रभावित हो जाती है। मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हम यूरिया, DAP, पोटास डालकर कर लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद से हो जाती है तथा SSP का प्रयोग करते हैं तो सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है। लेकिन यदि हम जिंक का प्रयोग बेसल डोज में अलग से नहीं करते हैं तो इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। हमारे पौधों में इसकी कमी का काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, ग्रोथ रुक जाती है, किल्ले कम आते हैं। यदि हमने बुआई के समय 21% की जिंक का प्रयोग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अथवा 33% वाली जिंक का प्रयोग 11 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किया है तो हमारी इस कमी पूरी हो जाती है। हमारे पौधों में ये कमी नहीं दिखाई देती है। यदि नहीं किया है तो समय रहते इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। इसलिए यदि हम 21% जिंक का प्रयोग स्प्रे के रूप में करना चाहते हैं तो 1 किलो जिंक की मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि 33% का प्रयोग करना चाहते हैं तो 600 से 700 ग्राम की ज़रूरत होती है। 200 लीटर पानी एक एकड़ के हिसाब से इसको हम 1 किलो बुझा हुआ चूना लेते हैं, उसको पानी में डालकर रात भर पड़ा रहने देते हैं। सुबह छानकर 1 किलो यूरिया को भी घोल बना लेते हैं। इसको अलग अलग सभी को तैयार करते हैं। तैयार हो जाने पर हम इसका स्प्रे करते हैं। स्प्रे का हमारा जो गेहूँ में क्रांतिक अवस्था होती है उस समय करना होता है। लगभग एक जब हमारा गेहूँ 25 से 28 दिन का हो जाए और सिंचाई हम पहली सिंचाई कर लें उसके बाद कर दें, उसके बाद हम दूसरी सिंचाई करें उसके बाद भी हम इसको कर सकते हैं। 2 बार अगर हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो अच्छा फुटाव होता है, अच्छे कल्ले आते हैं और अच्छी हमारी गेहूँ की ग्रोथ होती है। मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगती है लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें तथा कमेंट करके भी बताएं। ऐसी ही खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।